नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास है ओप्पो का F7 मॉडल। इसमें प्रॉब्लम है हेडफोन लोगों की, इसमें बिना हेडफोन लगाए ही हेडफोन लोगों शो कर रहा है। तो आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये हमने इसका हेडफोन जैक का जो सब बोर्ड है उसे डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो देखिए, यहाँ पर हेडफोन लोगों का निशान चले गया है। तो ये कहीं ना कहीं इस सब बोर्ड से ही प्रॉब्लम है जहाँ पर हेडफोन जैक लगा हुआ है। अब हमने इसे रिकनेक्ट कर दिया है और ये देखिए अभी भी ये नहीं आया। अब अगर हम इसमें हेडफोन लगाते हैं, देखिए हम हेडफोन लगाए, ये हमने हेडफोन लगा लिया, ये देखिए इसने हेडफोन डिटेक्ट कर लिया है, हेडफोन लोगो आ गया। पर अब अगर हम इसका हेडफोन रिमूव कर देंगे तो भी ये लोगो यहीं पे स्टक रहेगा, रिमूव नहीं होगा। ये देखिए ये लोगो यहीं पे है स्टक। तो आज हम इस वीडियो में इसे रिपेयर करना जानेंगे। अगर आप कोई टेक्नीशियन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ये प्रॉब्लम को घर बैठे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम अधिकतर वाटर डैमेज या डस्ट के कारण आती है। तो कभी हमारे हेडफोन जैक के अंदर पानी वगैरह चले गया हो, या हमारे डस्ट तो जाते ही रहती है तो डस्ट जमा हो जाती है, तो उस कारण भी ये ऑटोमेटिकली हेडफोन का सिंबल आ जाता है। तो ये देखिए हमने इसका प्लेट रिमूव कर लिया और माइक्रोस्कोप में हम देख पा रहे हैं कि ये प्लेट वाटर डैमेज है। तो हम मल्टीमीटर से पहले चेक कर लेंगे कि कोई भी पिन इसका शॉर्ट तो नहीं है। इसमें 5 पिन होता है, एक ग्राउंड होता है, एक माइक का होता है, 2 लेफ्ट राइट ऑडियो के होते हैं और एक डिटेक्शन पिन होता है। अभी हम हेडफोन इसमें लगा के एक बार चेक कर लेंगे। ये लेफ्ट ऑडियो है और ये राइट ऑडियो पिन है, ये डिटेक्शन पिन है जो राइट ऑडियो पिन से शॉर्ट हो जाता है हेडफोन लगाने के समय। ये देखिए ये शॉर्ट हो चुका है। अब अगर हम हेडफोन रिमूव करके चेक करेंगे तो ये पिन का शॉर्टिंग हट जाना चाहिए जो अभी शॉर्ट आ रहा है। ये देखिए हमने हेडफोन रिमूव किया, अब हम चेक करते तो देखिए ये शॉर्टिंग हट चुका है। तो इसमें बस ये प्रॉब्लम वाटर डैमेज का ही लग रहा है। तो हम इसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे। आप बिना मोबाइल खोले भी इसे कर सकते हैं। आपको पेट्रोल या कोई थिनर लिक्विड लेना है और हेडफोन जैक के अंदर डालकर बार बार हेडफोन की पिन को अंदर बाहर करना है, जिससे अंदर जो भी डस्ट और वाटर डैमेज होगा वो क्लीन हो जाएगा और आपका ये प्रॉब्लम अधिकतर सॉल्व हो जाएगा। कुछ केसेस ही ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये प्रॉब्लम आईसी से या बड़े बोर्ड से आती है, बाकी तो ये अधिकतर डस्ट से ही होती है। ये देखिए ये डस्ट निकाली है हमने इसमें से। अब इसे अच्छे से क्लीन करके हम लगा कर चेक करेंगे कि क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं। ये हमने क्लीन कर लिया है इसे, अब हम लगा कर चेक करेंगे। ये देखिए बोर्ड लगाने के बाद कोई हेडफोन सिंबल तो नहीं है। अब हम हेडफोन लगाकर चेक करेंगे। ये देखिए ये हमने हेडफोन लगाया। ये देखिए इसे डिटेक्ट हो गया है। अब हम हेडफोन रिमूव करके देखेंगे क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं, या अभी भी हेडफोन लोगो स्टक ही है। ये देखिए हेडफोन का लोगो चले गया है हेडफोन निकलने के बाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।